हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। दिस इज़ अभय अग्रवाल। अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, चैप्टर नंबर 7 का, यानी कि सर्कुलर मोशन। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक पार्टिकल दिया है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है यू स्पीड से एट एन एंगल ऑफ थीटा विद दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो मान लेते हैं ये अपना ग्राउंड है और एक पार्टिकल है जिसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है विद सम स्पीड यू और एंगल जो है थीटा है। तो इसका पाथ कुछ, मैं पाथ को रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। इसका पाथ कुछ इस तरीके का होता है। हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। ठीक है, अब देखो यार, अब इस आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कंसिडर अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स पाथ नियर द हाइएस्ट पोजिशन। हाइएस्ट पोजिशन कौन सी है? ये वाली। ठीक है, एंड टेक इट अप्रॉक्सीमेटली टू बी अ सर्कुलर आर्क। ठीक है भाई, वट इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? दिस रेडियस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट। देखो यार, कोई भी जैसे कर्व बना लेता हूँ मैं, ये तो किसी भी कर्व में हर पॉइंट में आप क्या कर सकते हो, उस कर्व से मैच करता हुआ, मतलब उस कर्व के कर्वेचर से मैच करता हुआ एक सर्कल बना सकते हो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाया, यहाँ पर सर्कल बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा। ठीक है ना, हर पॉइंट के लिए सर्कल बदल जाता है, थोड़ा ऐसे इधर आ जाऊंगा तो सर्कल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट पे, जैसे इस पार्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कर्वेचर बहुत ही कम नज़र आ रहा है, तो सर्कल काफ़ी बड़ा बनेगा। ठीक है, जबकि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो सर्कल बिल्कुल छोटा सा बनेगा। ठीक है, तो आप किसी भी कर्व पे बहुत सारे सर्कल बना सकते हो अलग अलग पॉइंट पे। ठीक है ना, और वो बिल्कुल टेंजेंशियली जो है वो उस कर्व को टच करेंगे। ठीक है, जो सर्कल आप बनाओगे वो बस उस कर्व को टेंजेंशियली टच करेंगे, और उस सर्कल का जो रेडियस होता है वो कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बात हमने को पहले से पता है, ये हमें पढ़ाया जाता है, और इसकी एग्जैक्ट एनालिसिस मैथमेटिकल होती है। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बोल दूँ कि सर्कल किसी भी, जैसे कोई भी ऊटपटांग में कर्व दे दूँ जिसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी हुई है, और किसी भी पॉइंट में एक्स कॉमा वाई पे मैं इसका अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहता हूँ तो उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन से निकाला जाता है। परंतु हमारा, हम जो पढ़ रहे हैं वो उसके लिए उस मैथमेटिकल इक्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, या बोलना चाहिए कि फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए जितने आपको ज़रूरत पड़ेगी वो ये है, मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी पॉइंट पे अगर पार्टिकल की वेलोसिटी है वी, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर वी वेलोसिटी है, जैसे कोई भी जनरल कर्व है ऐसा, और पार्टिकल जा रहा है, टेंजेंशियल जा रहा है पार्टिकल ऐसे भी, और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है मान लेते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये वी है, ये ए है, तो इस पार्ट पे अगर आपको रेडियस सर्कल, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है सर्कल का, तो आपको बिना दिमाग लगाए याद करना है जो मैं बोल रहा हूँ, और वो ये है कि आर ओ सी इज़ गिवन बाय वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। यानी कि इसकी मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए परपेंडिकुलर मतलब होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट किसका, एक्सेलरेशन का। ठीक है ना, तो ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ध्यान रखना वी परपेंडिकुलर अपॉन ए स्क्वायर मत कर देना, कई बार बच्चे कर देते हैं वी परपेंडिकुलर अपॉन ए का स्क्वायर। उन लोग क्या करते हैं कि वेलोसिटी को तोड़ लेते हैं एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर के अलॉन्ग, और वी परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर करके ए से डिवाइड कर देते हैं, ए के स्क्वायर से डिवाइड कर, ये गलत है ना, ये सही है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हमें पता है कितनी होगी, यू कॉस थीटा होगी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी बदलती नहीं, और हमें ये भी पता है कि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है ना। तो टॉप मोस्ट पॉइंट में तो भाई दिमाग लगाना ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर ही है वेलोसिटी के। तो इस पॉइंट में निकालना होता थोड़ी दिक्कत होती, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी है यहाँ और एक्सेलरेशन है यहाँ, तो हमें एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट तोड़ना पड़ता वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ठीक है, पर यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये हो जाएगा अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना भाई, और ये कौन सा रेडियस, कौन से सर्कल का जो है वो है रेडियस है, वो ऐसा मैं अगर सर्कल बनाता हूँ यहाँ पर,
ये जो कि बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पर जो है बिल्कुल टच करता हुआ जा रहा है किसको, सर्कल को, उस कर्व को। ये पैराबोला है, क्या है, कर्व है, एक है ना, ये कर्व को टच करते हुए जा रहा है ये सर्कल, उस सर्कल का ये रेडियस है कितना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी। ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया हो। इसी के साथ साथ हम चलते हैं फिलहाल, और मिलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 26 में। ठीक है, तो बाय।